हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एवरेज प्राइस मेथड की। सिंपल एवरेज सिंपल नहीं, एक तो हम पहला मेथड आज कवर करेंगे एवरेज प्राइस मेथड का, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड का और वेटेड एवरेज मेथड का। इन तीन मेथड्स का आज फिर हम यूज़ करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस मेथड की तीनों ये मेथड को सॉल्व करके, और उसका क्वेश्चन भी कराया था और सिंपली आपको बताया भी था कि एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, हम किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले एवरेज प्राइस मेथड को, और एवरेज प्राइस मेथड को का क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको और रिव्यू दे दूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको फीफो, लीफो और वेस्ट स्टॉक मेथड, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट और वेस्ट स्टॉक मेथड के बारे में समझाया था। तो चलिए आज सबसे पहले हम समझते हैं एवरेज प्राइस मेथड, राइट। एवरेज प्राइस मेथड ये हमारा एक ऐसा मेथड है जिसमें बताया गया है कि हर प्राइस का, यानी कि जैसे आपने क्वांटिटी खरीदी 100 क्वांटिटी 10 रुपए पर यूनिट, 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है। फिर आपने 15 को खरीदा, जैसा कि सर मेरा, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको, एक सेकंड, अरे चलिए वो शायद मेरे पास से पेज गुम हो गया है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मान लो 100 यूनिट मैंने खरीदी 10 रुपए के हिसाब से, फिर मैंने 1 जनवरी को, ठीक है, फिर 15 जनवरी को या 14 जनवरी को किसी भी डेट को मैंने फिर 200 खरीद ली, ठीक। मान लो मैंने 12 रुपए की ले ली पर यूनिट, फिर मैंने मान लो किसी और डेट को 300 यूनिट ले ली, कोई भी डेट हो सकती थी, ठीक है, 14 रुपए के हिसाब से। तो इस तरह से हमारे पास टोटल यूनिट एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द मंथ कितने हो गए टोटली, 3,600, ठीक। लेकिन अब जब हमें इशू करना है इसको स्टोर पे, ठीक है, जब फिर हम इसको इशू करेंगे तो किस प्राइस पे इशू करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में बताया गया था कि जो पहले खरीदो उसको आप इशू उसी प्राइस पे करो पहले। लास्ट इन लास्ट आउट में बताया गया था कि जो आपने लास्ट में खरीदी, यानी कि जो लास्ट में 300 खरीदा, इस प्राइस पे इशू करो, उसके बाद में फिर इस प्राइस पे इशू करो, इस तरह से निकाल लिया था। वेस्ट स्टॉक में वेस्ट मेंटेन करना था। लेकिन एवरेज स्टॉक मेथड ये हमारा कहता है कि यहाँ पे जो प्राइस आपका गिवन है, ठीक, जो प्राइस आपका गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको बांटना है। जैसे देखिए, जैसे मैंने सबसे पहले 100 यूनिट परचेज किया, ठीक, तो आपको पहले इसी यूनिट में परचेज, आई मीन वो करना, इशू करना है, ठीक। लेकिन मान लो जैसे मेरे पास 100 यूनिट से कम का ऑर्डर आता है, मैं 10 रुपए पे इशू कर दूंगा। लेकिन मान लो मेरे पास अभी एकदम से 150 का प्राइस का क्या आ गया, ऑर्डर आ गया, देन हाउ, मतलब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना, 100 यूनिट पहले के उठानी है। 100 यूनिट तुमने कहाँ से उठा लेनी है, 50 से, ठीक है। इसका प्राइस क्या था, 10 रुपए के हिसाब से। अब 50 यूनिट तुमको लेने हैं इससे, 200 से, ठीक। तो 50 तुमने यहां से ली, तो यानी इसका प्राइस कितना है तुम्हारा, 12 रुपए। इन दोनों प्राइस का ऐड कर लो, कितना हो गया प्राइस, 10 और 12 दो कितना हो गया, 22, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 11। 11 रुपए में 150 यूनिट को तुम्हें क्या कर देना है, इश्यू करना। ये तुम्हारा एवरेज स्टॉक मेथड बताता है, एवरेज प्राइस मेथड, ठीक। अब आप कहेंगे कि ये सिंपल एवरेज प्राइस मेथड क्या है, इसमें क्या होता है भैया, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली मैं आपको बता दूं, इसमें एवरेज का भी एवरेज किया, यानी कि 11 ये निकल के आया, अब फिर इसका एवरेज किया जाएगा, यानी कि जैसे मान लो फिर यहाँ पे मैंने 12 और 14 का कर लिया, 12 प्लस 14, इसके क्वेश्चन है नहीं बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो 12 और 14 के यहाँ से किया, टोटली कितना हो गया, ये 26 हो गया, मल्टीप्लाई 2 कितना, 13, और 13 और प्लस 11 कितना हो गया, टोटली कितना हो गया, 24 ना, 24 को 2 से कर दो 12। इस हिसाब से ये इस प्राइस पे तुम्हें सिंपल एवरेज प्राइस से वो करना पड़ेगा। अब एक बार थोड़ा लास्ट हम देख लेते हैं वेटेड एवरेज मेथड, उसके बाद में ये जो मेथड्स हैं मैं धीरे धीरे करके आपको एक एक करके करा दूंगा, ठीक है। तो अब वेटेड एवरेज मेथड की बात मैं अगर करूं, तो वेटेड एवरेज मेथड मेरा बताता है कि आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट में जितनी क्वांटिटी आपकी बैलेंस में पड़ जाती है और प्लस उसका जो टोटल प्राइस होता है, यानी कि अमाउंट जो निकल के आता है, इन दोनों को, अमाउंट को ऊपर रखो, अमाउंट को ऊपर, नीचे यूनिट, जो प्राइस निकल के आया उसी प्राइस पे इश्यू कर दो। हर बार तुमको
इसी प्राइस पे इशू करना है, ठीक। तो मे बी थोड़ा कहीं ना कहीं आपको और मिल गया होगा, अगर आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल गया है, तो अब चलो जस्ट तुरंत का तुरंत क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, जिससे कि आपको तुरंत का तुरंत ये चीजें समझ में आ जाए, राइट। तो इसका मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, राइट, क्वेश्चन नंबर फाइव में दोनों चीजें तुमको निकालनी है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग प्राइस इशू मेथड, ठीक है, ऑन द सिंपल एवरेज मेथड और प्लस वेटेड एवरेज मेथड, दोनों मेथड से यहाँ पे निकालना है, ठीक। तो इसके मैं 2-3-4 ट्रांजेक्शन बता देता हूँ, रिमेनिंग आपको खुद से करना है, राइट। तो चलो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पे मूव ऑन करता हूँ और आपको क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके और आप सामने रख लीजिए, तो बुक अगर आपके पास है तो बुक आप सामने रखिए, ठीक। मैं क्वेश्चन को थोड़ा हाइड कर दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको सामने ये पेस नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ आपको। देखो सेम वैसे ही टेबल आपको बना लेनी है, ठीक, डेट की और किसकी, रिसेप्ट की, इशू की और बैलेंस की, ठीक। ये हो गया इशू, ये हो गया बैलेंस, ये हो गया रिसेप्ट। इसके अंदर 3-3 कॉलम आपने बनाए थे, मे भी याद होगा आपको, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक। ये हमारा डेट का कॉलम था। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, 1 मार्च को, ठीक है, ये यहाँ पे दिया 2016 मार्च 1 को परचेज किया 100 यूनिट 10 रुपए में, फिर परचेज किया 200 यूनिट 10 रुपए 20 पैसे में, फिर इशू किया 250 यूनिट, जो ठीक है, और फिर परचेज किया 210 रुपए 50 पैसे में। इस हिसाब से ये परचेज उन्होंने कर ली, ओके। तो सबसे पहले 1 मार्च को हमने कितना परचेज किया, हमने परचेज किया 100 यूनिट, कितने रुपए में, 10 रुपए में। टोटली कितनी वैल्यू हो गई, 1000। इशू कुछ नहीं करना है, बैलेंस में कितना आ जाएगा, 100, 10 के हिसाब से कितना, 1000 रुपए का, राइट। आ गया, आ जाने के बाद में, उसके बाद में फिर आपको सिंपली क्या करना है, फिर आपको डेट सेकेंड को फिर परचेज आपने किया, तो 200 यूनिट कितने पे, 10 रुपए, इतने पैसे पे, ठीक है, 10 रुपए 2 पैसे पे। इनकी टोटली वैल्यू कितनी हुई है, 2040। इशू कुछ नहीं करना है, टोटली यूनिट कितने हो गए हमारे पास, 200 ये प्लस 100 ये, टोटली कितने, 300। इसमें ऐड करके लिखना होता है, फीफो लिफो और वेस्ट स्टॉक की तरह कुछ नहीं होता, इसमें दोनों को ऐड करके लिखना होता है। प्राइस अब तुमको यहाँ पे मेंशन नहीं करना, ठीक है, अगर मेंशन करना चाहते हो तो तुमको क्या करना है, दोनों की वैल्यू ऐड कर लो, पहले 1000 और 3040, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, प्राइस यहाँ का उठाना, 10 और प्लस 10.2 मल्टीप्लाई करना है तुम्हें 2 से, 10.1 यहाँ का रेट हो गया, उस हिसाब से आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद इशू करने की बात कर रहा है, 5 को इशू करना है आपको, इशू करने के लिए कितनी यूनिट बता रहा है आपको, 250 यूनिट इशू करना है, किस प्राइस पे, इस प्राइस पे, क्योंकि आपने दोनों का एवरेज कर लिया, यहाँ पे एवरेज प्राइस निकालो तो 10 प्लस यही फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, इसका आएगा 1. इतना, ठीक है, इसी से इशू कर दो, टोटली कितना, 10.1 कितना हो गया प्राइस, 2525 ये प्राइस आ गया। टोटली आपके पास यूनिट कितने बचे, 50, जिनका रेट कितना है, इतना ही, और रिमेनिंग बचा कितना, 515 का, राइट। ऐसे करके फिर परचेज करना है आपको, 7 को परचेज करना है, सेम ऐसा ही प्रोसीजर आपका चलता रहेगा, राइट। तो मे बी आपको एक दो मैं वैल्यू और करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद में आप खुद से कर लीजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, जिससे कि 200 यूनिट परचेज की कितने 10.5 में, टोटली इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2100 रुपए, इसको कुछ करना नहीं है, बैलेंस में डाल दो, बैलेंस में कितना हो गया, टोटली 250, प्राइस कितना, प्राइस अभी मेंशन ना करो, ठीक है, दोनों को
ऐड कर लो, ऐड करने के बाद में कितना आता है 2615। ठीक है 2615 आ रहा है, थोड़ा मैं लाइन को बढ़ा लेता हूँ, 2615। उसके बाद में फिर तुम्हें क्या करना, 310 को फिर तुमने 300 यूनिट परचेज कर ली 10.8 में, कितना प्राइस है तुम्हारा 3240 हो गया। इशू कुछ करना नहीं है, टोटली हमारे पास कितने हो गए 550 यूनिट, टोटली वैल्यू कितनी है 5855 रुपये। ओ माई गॉड, इतना हो गया। उसके बाद अब आप कहेंगे कि इसका प्राइस किस तरह से भैया निकालना है, तो देखो यहाँ पे टोटली तुम्हारे पास प्राइस का कितना था 10.1 का, ठीक है 10.2 का प्राइस का माल, क्योंकि 1 का यहाँ 10 रुपये वाला 100 था तुम्हारा, तुमने इशू कितना किया 250, तो यानी कि 100 ही तो पहले चला गया होगा ना, तो यहाँ पे कितना बचा होगा 50, 10.2 वाला ना, इसलिए यहाँ ये यहाँ पे 10.2 वाला कर लीजिए, सॉरी ठीक 10.2 वाला यहाँ पे कर लीजिए। उसके हिसाब से 10.2 और प्लस का आपका प्राइस कितना आपने परचेज किया 10.5 और प्लस 10.8, तीनों को डिवाइड कर दो, कितना प्राइस निकल के आ गया आपका 10.5। इस प्राइस पे इशू कर देना, यहाँ पे 10.5 डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट इशू आपको करना है 13 तारीख को, कितना यूनिट 200, और फिर 18 को भी इशू करना है कितना साथ ही कर लो 200, अलग अलग प्राइस आएगा 10.5 इसका आएगा। अब इसका प्राइस को निकलवा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपका 10.2 वाला चला गया, तो यानी कि दो ही प्राइस बचे, ठीक है। तो देख लो यहाँ से 10.5 और प्लस 10.8 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 10.65, ये प्राइस तुम्हारा आ गया ठीक 10.6 प्राइस। इस पर इशू कर देना है आपको 2100 और साथ में 2130। यहाँ पे आपके पास बैलेंस में कितने बची 150 यूनिट, इनकी वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 1625। इस तरह से आपको समझ कर लेना है ठीक। एक बार कहो तो मैं फिर से समझा दूँ, यहाँ का थोड़ा शायद आपको ना समझ में आया हो। तो देखो नॉर्मली बात, आपको क्या करना, सबसे पहले आपने परचेज किया 10 वाला, ठीक है, उसके बाद 10.2 वाला, टोटली आपके पास ये आ गया ठीक है। इसका प्राइस आपको निकालना है एवरेज किस तरह से, 10.10 और प्लस इनको दोनों का एवरेज कर लो 10.1, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद में 250 आपने इशू किया ठीक, 250 आपने इशू किया, तो 250 जब इशू किया तो उसमें से पहले तो 100 चला गया होगा ना, तो 100 जब चला गया तो मतलब इसका ये जो 10 रुपये वाला है प्राइस या खत्म। अब तुम्हारे पास कौन सा प्राइस होता है 10.2 ही वाला बच रहा ना, तो इसका 50 यूनिट बचा, यहाँ का 150 यूनिट, यहाँ का भी कर दिया, तो इसलिए 50 10.2 वाला 515 का बचा ठीक। उसके बाद में आपने परचेज कर लिया, परचेज जब किया तो उसमें देखो 10.2 का 50 यूनिट यहाँ पे पड़ा था, 200 आपने 10.5 का किया, 10.8 का किया, टोटली मिला के 550 हुआ ठीक। इन दोनों के एवरेज निकालोगे, इन तीनों का सॉरी, इतना तुम्हारा 10.5 आएगा। लेकिन उसके बाद में तुम्हें फिर तुरंत जस्ट अगली डेट को तुम्हें 200 यूनिट वो करना है, क्या इशू करना है, तो 50 यहाँ का चला गया ना, 200 तुमने यहाँ 50 यहाँ का किया और 150 यहाँ का किया, यानी कि इसमें अभी 10.5 वाले 50 यूनिट पड़ा हुआ है, 10.5 वाला 50 यूनिट प्लस 10.8 वाला, इसका ये प्राइस निकल के आएगा तुम्हारा, ये वाला जो मैंने किया है यहाँ पे 50 यूनिट ये वाला है कौन सा 10.5 वाला, और 150 यूनिट तुम्हारा क्या है 10.8 वाला ठीक। इसका एवरेज करोगे तो 10.65 आ जाएगा। उसके बाद में तुम्हारा ये वाला देख लेना ठीक है। उसके बाद में अब इसका भी एवरेज तुम कर लो, इसका भी यूरेज करोगे तो तुम देखोगे यहाँ से तो तुम्हारा ये निकल गया पूरा पूरा 150 यूनिट यहाँ से चला गया, तुमने यहाँ का 50 यूनिट यहाँ का भी ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 10.8 वाला ही बचा राइट। हाँ तो 10.8 वाला बचा, तो 150 अभी आपको नहीं भी 150 प्लस इंटू कर लो 1625 आ जाएगा अपना ठीक है। तो इस हिसाब से आपको धीरे धीरे करके चीज़ों को कर लेना है ओके। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कौन सा मेथड, एवरेज प्राइस मेथड, सिंपल एवरेज मेथड ठीक है। सिंपल एवरेज मेथड तुम्हारा इस तरह से मैं डाल देता हूं, सिंपल एवरेज मेथड तुम्हारा इस तरह से भाई किया जाएगा राइट।
तो अगले वेटेड एवरेज मेथड को मैं अगली वीडियो में लेके आता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही, और मैं कोशिश करता हूँ कि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा आपकी वीडियो को ना रखूँ, क्योंकि ये होता है कि एक क्वेश्चन एटलीस्ट कम से कम हो जाने के बाद में कहीं ना कहीं हमको 2 सेकंड का या एक मेथड हो जाने के बाद कहीं ना कहीं आपको उसके 2-3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप क्या करिए, छोटे छोटे वीडियो देख देख के और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई इशू आता है तो यू कैन मैसेज मी एंड आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, और मैं आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर कॉमेंट करके भाई सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ मुझे सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। ओके बाय।